हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ कढ़ाई मशरूम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो फ्लेवर से भरपूर एक नॉर्थ इंडियन डिश है जिसमें हम कढ़ाई मसाले का यूज करने वाले हैं। वो भी बताने वाली हूँ वीडियो में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कढ़ाई मसाला किसी भी डिश को एक अलग सा फ्लेवर और अरोमा देती है। तो बिना देरी किए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई को गर्म कर ले और उसमें डाले खड़ा धनिया 1 टीस्पून, खड़ा गोल मिर्च 1 टीस्पून और डाले बीच से तोड़कर तो सूखी हुई लाल मिर्च। इन सबको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप इसमें आधा टीस्पून खड़ा जीरा और आधा टीस्पून सौंफ भी डालकर कढ़ाई मसाला रेडी कर सकते हैं, पर मैं इन दोनों को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। एक समान भुनने के लिए इसे लगातार हमें चलाते रहना है। इन्हें हमें तब तक कुछ सेकंड्स के लिए भुनना है जब तक कि इसमें से भुनी हुई सी खुशबू ना आ जाए और थोड़ा इनका कलर ना चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका रंग थोड़ा बदल गया है कुछ सेकंड्स के बाद। तो अब इसे साइड कर ठंडा कर ले और ग्राइंडर में बिना पानी डाले महीन पीस ले। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून खड़ा जीरा, फिर डाले बीच से तोड़कर 2 सूखी हुई लाल मिर्च। फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही हमें रखना है। जीरा अच्छे से जब चटक जाए या स्प्लटर हो जाए तो इसमें डाले बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, जो मैंने लिया है 5 से 6, फिर डाले 1/2 इंच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज और इन्हें हल्का भूरा होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है। आप देख सकते हैं प्याज में अच्छा सा हल्का ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर और इसे अच्छे से चला लेंगे और साथ में फिर डालेंगे नमक जो मैंने लिया है स्वाद के अनुसार। फ्लेम को लो पे कर ले और इसे तब तक पकने दे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए। आप टमाटर थोड़ा भुनने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर और ढक्कन लगाकर भी टमाटर को गला सकते हैं, अगर टमाटर थोड़े सख्त हैं तो। मैंने जो टमाटर लिए हैं वो अच्छे से नरम और पल्पी हैं, तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही। और टमाटर डालने के साथ ही मैंने नमक इसलिए भी यूज़ किया है ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से गल गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला पाउडर जो हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। और इन सब सूखे मसाले को कुछ सेकेंड्स के लिए हमें भून लेना है। फिर डालेंगे काजू का पेस्ट और इसे भी लगातार चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे। पेस्ट डालते ही इसे लगातार इसलिए भी चलाना है ताकि काजू का जो पेस्ट है वो तले में चिपके नहीं। काजू तुरंत थिक हो जाती है और चिपकने लगती है, इसलिए ज़रूरी है कि इसे आप लगातार चलाते रहे। काजू का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 10 से 15 काजू को 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक कर लिया था और फिर थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया था। 1 से 2 मिनट काजू को पकने में लगते हैं। जब काजू मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए तो आपको तेल ऊपर थोड़ा दिखने लगेगा। तो इस टाइम डाले 200 ग्राम या 1 पैकेट मशरूम। मशरूम्स को मैंने पहले ही अच्छे से पानी से धोकर कट कर लिया था। अगर मशरूम का साइज बहुत बड़ा है तो 1/4 करें और नॉर्मल साइज है या छोटी साइज है तो 1/2 कर लें। लो फ्लेम पर मशरूम्स को मसाले के साथ लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मशरूम्स में एक बढ़िया सी मसाले की कोटिंग भी हो गई है। अब इसमें डालें 1 कप पानी और लो फ्लेम पर इसे पकने दें लगभग 5 से 7 मिनट के लिए।
या तब तक जब तक तेल ऊपर ना दिखाई दे। अब एक पैन गर्म कर ले और फ्लेम को लो कर उसमें डाले 1 टीस्पून बटर। फिर उसमें डाले 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को बड़े साइज में कट कर इसकी परत या लेयर्स को हमें अलग कर लेना है। फिर डाले आधा लाल शिमला मिर्च यानी रेड बेल पेपर और आधा हरा शिमला मिर्च जिसे भी मैंने चौकोर यानी स्क्वायर में कट कर लिया था। अब इन सबको अच्छी खुशबू आने तक तेज आंच में हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। फिर हमें डालना है 1/4 टीस्पून कढ़ाई मसाला का पाउडर। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सारी सब्जियां जो है वो अच्छे से भुन भी चुकी है, तो इसे साइड कर ले। 5 से 7 मिनट भी हो गए हैं और मशरूम भी मसाले के साथ अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डाले 1 टीस्पून कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। फिर जो सब्जियां हमने स्टर फ्राई करी थी वो डाल लेंगे। और लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, बनकर तैयार है कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। इसे आप नान, कुलचे और किसी भी तरह की प्लेन या फ्लेवर्ड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर मेरी ये कढ़ाई मशरूम की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर फीडबैक ज़रूर दें। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू, टेक केयर।